और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर मैनपुरी से आ रही है। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव तकरीबन 61,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रघुराज सिंह शाक्य से वो तकरीबन 60,850 वोटों से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उनको 93,000 से भी ज्यादा मत अब तक मिल चुके हैं और 33,000 वोट रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर, लोगों में भारी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव की जीत वहां पर लगभग तय मानी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर मैनपुरी से आ रही है। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव तकरीबन 61,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रघुराज सिंह शाक्य से वो तकरीबन 60,850 वोटों से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उनको 93,000 से भी ज्यादा मत अब तक मिल चुके हैं और 33,000 वोट रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर, लोगों में भारी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव की जीत वहां पर लगभग तय मानी जा रही है। VK News, राष्ट्र के नाम।